नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राजधानी लाइव में। दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए केजरीवाल सरकार के प्रयासों पर एलजी ने ब्रेक लगा दिया है। पिछले सालों की तरह 28 अक्टूबर से रेड लाइन ऑन और गाड़ी ऑफ अभियान शुरू होने जा रहा था। एलजी के फाइल रोकने से अभियान स्थगित हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान से 20% तक वाहन प्रदूषण कम होता है। दिल्ली में इस अभियान के जरिए साल भर में 2050 करोड़ रुपए का ईंधन बचता है। दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि एलजी से निवेदन है कि राजनीतिक लड़ाई अपने जगह है, उन्हें दिल्ली वालों की सांसों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। दिल्ली को प्रदूषण से निजात दिलाने के लिए केजरीवाल सरकार के चौतरफा प्रयासों के बीच उपराज्यपाल के कई कदम बाधा बनकर सामने आ रहे हैं। राजधानी की दमघोटू हवा को साफ करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की थी। 2 साल पहले शुरू किए गए इस अभियान ने बेहद सकारात्मक असर भी दिखाया। विशेषज्ञों के मुताबिक वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण में इस अभियान के चलते 15% से 20% तक कमी भी हुई। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। राजीव, फिलहाल बात की जाए दिल्ली की तो एक बार फिर से एलजी यानी उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के बीच में ये जो तनातनी है वो देखने को मिल रही है, लेकिन इस बार पहले से चल रहे अभियान को लेकर उसकी फाइल रोकने की बात कही जा रही है, क्या कुछ अहम जानकारी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार प्रयास भी कर रही है, लोगों के लिए काम भी करती हुई जा रही है, मगर अब जिस तरीके से उनके जो काम है उनके अंदर कहीं ना कहीं रोका जा रहा है उनको, तो उससे कहीं ना कहीं राजनीति का माहौल जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है। जी, तो राजनीति का माहौल जिस तरीके से बन रहा है राजीव, क्या कुछ इसको लेकर आगे जो फाइल है वो रोकी गई है, उसको लेकर एलजी का क्या जो मसला है वो क्या सामने आया है इस समय? देखिए, लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो एलजी के कहीं ना कहीं विरोध में और नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से फाइल रोकी जा रही है तो उससे कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही है, मगर आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं प्रयास भी कर रही है उनकी फाइलें जो है ना रुके और जिस तरीके से जनता के लिए जो काम है वो लगातार सुचारू रूप से चालू रहे, मगर अब देखना होगा कि फाइल को दोबारा से पास कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। मगर एक बार आम आदमी पार्टी जो है यानी कि दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री है या फिर क्या बड़े नेता है वो दोबारा से एलजी के पास जरूर जाएंगे। जी राजीव, अब दिल्ली सरकार का क्या कहना है, क्योंकि फाइल एक बार फिर से रोक दी गई है और उपराज्यपाल पर पहले ही इस तरीके के आरोप लगते हैं? देखिए, उपराज्यपाल की बात करें तो उपराज्यपाल के ऊपर पहले से ही आरोप लगाए गए हैं कि लगातार कहीं ना कहीं उनके कामों को रोका जा रहा है, ये दिल्ली सरकार निरंतर जनता के लिए प्रयास करती हुई नजर आ रही है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब फाइल को रोका गया है उससे तो कहीं ना कहीं राजनीति दोबारा से गर्माती नजर आ रही है, और लगातार पहले भी जो उपराज्यपाल थे उनसे भी यही दिक्कतें थी दिल्ली सरकार की, मगर अब जिस तरीके से फाइल रोकी गई है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के इशारे पर फाइल रोकी गई है, मगर यहाँ पर जिस तरीके से अब आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार कहीं ना कहीं उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो कहीं ना कहीं मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। जी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जो ये अभियान है ये पिछले 2 सालों से चल रहा है और काफी सकारात्मक प्रभाव इस अभियान का देखने को मिला, लेकिन इस तरीके से फाइल को रोकना क्या कारण इसका माना जाए? देखिए, यहाँ पर बात करें आम आदमी पार्टी की तो आम आदमी पार्टी जो लगातार पॉल्यूशन के क्षेत्र के अंदर की बात करें या विकास के क्षेत्र की बात करें तो वहां पर लगातार प्रयास कर रही है और 28 अक्टूबर से ही इसकी शुरुआत करनी थी पॉल्यूशन को लेकर, और लगातार कहना की रेड लाइट ऑफ और गाड़ियां रेड लाइट ऑन और गाड़ियां ऑफ जो प्रक्रिया थी वो अपनानी थी, मगर जिस तरीके से फाइल रोकी गई है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधते हुए जरूर कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार नहीं चाहती दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन कंट्रोल हो, और इसी की वजह से कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को कहीं ना कहीं उपराज्यपाल को मोहरा जो बनाया जा रहा है, आखिर कारण इसका क्या समझा जाए? क्या आने वाले विधान जो माफ कीजिएगा जो निगम के चुनाव होने हैं एमसीडी के, उसको इसका कारण समझा जाए, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार के प्रयास हैं वो काफी रंग लाए हैं, लेकिन इस पर उपराज्यपाल जो है वो अगर पलीता लगाएंगे तो दिल्ली वालों की सांसों के साथ ये खिलवाड़ होगा।
बिल्कुल सही कहा आपने यात्रा बस, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार अपने काम को करने की कोशिश कर रही है और दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन को घटाने के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं, मगर जिस तरीके से फाइलें रोकी जा रही हैं तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर वो बढ़ता हुआ नजर आएगा और लगातार कहीं ना कहीं परेशानियां जो है वो जनता की होती हुई नजर आएगी। मगर कहीं ना कहीं दोनों ही सरकारों को यानी केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को दोनों समझना होगा कि जनता के हित के लिए कितने बड़े कार्य करने हैं और किस तरीके से करने हैं ताकि मेल जोल से यानी कि आपस में समझौते के द्वारा ही कहीं ना कहीं जनता के विकास के लिए काम किया जाए। जी, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का पिछले दो सालों में किस तरीके का प्रभाव देखने को मिला, विस्तार से बताएं राजीव। देखिए पहले भी दो बार कहीं ना कहीं रेड लाइट क्या कहते हैं ऑन और गाड़ियां ऑफ की जो प्रक्रिया थी वो अपनाई गई थी और लगातार कहीं ना कहीं क्या कहते हैं पॉल्यूशन के इस विकास के अंदर कहीं ना कहीं उसके कोशिश भी होती हुई नजर आई थी, मगर जिस तरीके से अब रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ की जो प्रक्रिया है वो अब की बार नहीं अपनाई जाएगी क्योंकि लगातार दिल्ली सरकार लगातार पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए कोशिश जरूर कर रही है, मगर अब जिस तरीके से फाइल रोकी गई है तो उससे लगता है कि रेड लाइट ऑन और गाड़ियां ऑफ की जो प्रक्रिया है उसमें कहीं ना कहीं देरी भी हो सकती है, शायद इसको तो राजीव जिस तरीके से ये अभियान चलाए जा रहे हैं दिल्ली सरकार प्रदूषण को जो कम करने के लगातार प्रयास कर रही है और दिल्ली में अगर बात करें दीपावली की तो उसके बाद और ज्यादा प्रदूषण जो है वो बढ़ गया है पटाखों की वजह से, इस प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ये जो अभियान है वो चला रही थी लेकिन अब इस पर जो फाइल को रोका गया है एलजी द्वारा, आम जनता का इस पर क्या कहना है? देखिए आम जनता की बात करें जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो खींचातानी है उसकी वजह से कहीं ना कहीं जनता की परेशानियां जरूर बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार कहीं ना कहीं इसके लिए कहीं ना कहीं दोनों को ही मिलकर काम करना होगा, मगर जिस तरीके से अब फाइल रोकी गई है और कैसे ऑडिवन जो लागू करना था वो नहीं हो पाएगा तो इसके वजह से कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पिसती हुई नजर आ रही है और लगातार इसी को आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार के इशारे पर राज्यपाल जो है वो उनकी फाइलें रोक रहे हैं, मगर अब देखना होगा कि फाइलें रोकने के बाद क्या दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। जी, इस तरीके से अगर अभियान कोई नहीं चलाया गया तो वाजिब सी बात है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा और इस प्रदूषण को बढ़ने से रोकने के लिए अगर जो उपराज्यपाल है उन्होंने ये जो अभियान की फाइल रोकी है क्या उनके पास कोई अभियान है इस चीज को प्रदूषण को कम करने के लिए? देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उपराज्यपाल की बात करें उपराज्यपाल ने जिस तरीके से फाइल को रोका है और कहीं ना कहीं उनके पास अभी शायद कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे दिल्ली की जनता के लिए पॉल्यूशन को कम किया जा सके, मगर दिल्ली सरकार जिस तरीके से ऑडिवन लागू करना चाहती थी उसमें भी कहीं ना कहीं देरी जरूर देखने को मिल रही है क्योंकि ये ऑडिवन जो है वो कहीं ना कहीं दिवाली से पहले अपनाना चाहिए था, मगर अब दिवाली के बाद इसको अपनाया जाने की कोशिश की जा रही है तो उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं पॉल्यूशन के अंदर इतना विकास नहीं हो पाएगा जितना दिल्ली सरकार चाहती है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सूरजकुंड में मजबूत कानून व्यवस्था की यूपी मॉडल के बारे में बताया, बीते 5 वर्षों में 4 मुख्य बिंदुओं पर काम किया गया है, पहला भर्ती और प्रशिक्षण, दूसरा पुलिस का आधुनिकीकरण, तीसरा अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि और चौथा चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय में सामंजस्य स्थापित करना, इससे कानून व्यवस्था को मजबूत रखने में सफलता मिली है। सीएम योगी ने ये बातें गृह मंत्रालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय चिंतन शिविर में गुरुवार को कही। शिविर में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, संघ शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और प्रशासक भी हिस्सा ले रहे हैं। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में पुलिस के लिए अवस्थापना सुविधाओं में वृद्धि, पुलिस रिफॉर्म और पुलिस बल को तकनीकी से जोड़ने के अच्छे नतीजे आए हैं, इससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिली है। उन्होंने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई और उसके बारे में बताया कि प्रदेश में वर्तमान में संगठित अपराध समाप्त हो चुका है, ऐसे अपराधी जेल में हैं या पुलिस मुठभेड़ में उनकी मौत हो चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से संवाददाता जितेंद्र चौहान हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, फिलहाल जिस तरीके से 2 दिवसीय चिंतन शिविर जो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपनी उपस्थिति दर्ज की और साथ ही साथ कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने अपना बयान वहां पर दिया।
देखिए मिस्कान, बिल्कुल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर हरियाणा के फरीदाबाद में दो जिलों में दो दिवसीय चिंतन शिविर चल रहा है और कहीं ना कहीं सूरज कुंड में हो रहे चिंतन शिविर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल थे। कल भी ये चिंतन शिविर हुआ और देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे और कहीं ना कहीं आज भी जो है आज चिंतन शिविर में भी अगले 25 सालों की आंतरिक सुरक्षा को लेकर रोडमैप चल रहा है। देश अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं और खुद गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद है और कल जिस तरह से कानून व्यवस्था के मॉडल के बारे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया और आने वाले समय की बात की जाए तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा की बात हो रही है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी चिंतन शिविर में इसमें तमाम बातों पर बातें बताने का काम किया। कानून व्यवस्था को लेकर बातें बताने का काम किया गया और ये कहा जा सकता है कि कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर चार बिंदु पर सीएम योगी आदित्यनाथ बात की और पहले भर्ती और प्रशिक्षण के बारे में बात की, दूसरा पुलिस और आधुनिकरण की लेकर बात की गई, वही तीसरा अवस्थापनाओं में वृद्धि और चौथा चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय के सामंजस्य बनाते के कार्य की बात की गई। तो प्रदेश में पुलिस के लिए अव्यवस्था सुविधाओं में वृद्धि, पुलिस रिफॉर्म, पुलिस बलों को तकनीकी से जोड़ने के अच्छे नतीजे आए थे सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा और इससे प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने में मदद मिलेगी ऐसा भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा। तो वहीं प्रदेश में वर्तमान में संगठित अपराध को समाप्त हो चुका है, ऐसे अपराधी जेल में है या पुलिस मुठभेड़ में इनकी मौत हो चुकी है। तो वहीं माफिया और अन्य अपराधी लगभग 40 अरब 59 करोड़ रुपए की संपत्ति को जब्त किया गया। ध्वस्तीकरण और जब्त भूमि में बालिकाओं के लिए कॉलेज, निर्मल वर्गों के लिए आवास भी बनाए गए हैं। तो ये पूरा ये कहा जा सकता है कि अन्य कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से चिंतन शिविर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं आंतरिक सुरक्षा जो रोड मैप 25 सालों को तैयार किया तो सीएम ने भी अपनी बातें रखी हैं और तमाम तरह की बातें उसमें बताई हैं। कानून व्यवस्था जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में बेहतर होती गई है उसको लेकर यहाँ पर बात रखी गई सीएम योगी द्वारा, आज भी वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे क्या, क्योंकि दो दिवसीय ये चिंतन शिविर है और आज अगर मौजूद रहेंगे तो किस तरीके की बात यहाँ पर होगी? देखिए आज भी चिंतन शिविर में कहीं ना कहीं वो मौजूद रहेंगे और अपनी बातों को भी रखने का काम करेंगे क्योंकि मुस्कान इस बात को अच्छे से पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो सबसे मजबूत मॉडल है और ये कहा जा सकता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जिस तरह की बातें बताई उसको भी लेकर भी चिंतन शिविर में बातें रखी जाएंगी और अगले 25 सालों में जो रोड मैप तैयार होगा देश की आंतरिक सुरक्षा का उसमें कहीं ना कहीं सहभागिता उत्तर प्रदेश की भी मानी जाएगी और उत्तर प्रदेश की जो चीजें हैं उसको भी अपनाए जाने का काम किया जाएगा। अब जिस तरीके से योगी सरकार का ये जो कानून मॉडल है, योगी मॉडल है कानून व्यवस्था का, ये काफी बेहतर बताया गया है और जब इसके बारे में बताया गया चिंतन शिविर में तो और क्या कुछ खास रहा, क्योंकि योगी सरकार का मॉडल जो है वो कई सरकारें अब अपनाने की भी कोशिश कर रही हैं। जितेंद्र, देखिए चाहे हरियाणा सरकार हो या अन्य कोई सरकार हो वो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की जो कानून व्यवस्था का मॉडल है उसको अपनाना चाहते हैं क्योंकि जिस तरह से 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद लगातार अपराधियों पर जो शिकंजे कसे गए हैं और कहीं ना कहीं चाहे माफिया हो, चाहे डॉन हो, चाहे वो जमीन कब्जा करने वाले हों, उन सब पर नकेल कसने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया और लगातार उत्तर प्रदेश में जो कई सालों से एनकाउंटर बंद थे उन एनकाउंटरों को पुनः शुरू किया गया और बड़े बड़े माफिया जेल के अंदर आज हैं और जिस तरह से अभी हाल में ही अतीक अहमद जब पेशी पे आए थे उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी और आज का समय ऐसा है कि अपराधी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि अतीक ने खुद अपने बयान में ये बात कही थी कि ऐसा मजबूत और बहादुर मुख्यमंत्री हमें नहीं मिलेगा और ऐसा मुख्यमंत्री के अंदर तमाम ऐसी चीजें हैं जो ऐसे एक मुख्यमंत्री के होना चाहिए। तो ऐसी अपराधी भी आज बोलबाला है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का राज है, अपराधी इस को मानना है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था गिरी थी अब वो पटरी पे आ चुकी है, चाहे वो माफिया हो उनको भी कहीं ना कहीं उनसे कब्जा छुड़ाए जा रहे हैं, बड़ी संख्या में कब्जे छुड़ाए जा रहे हैं, माफियाओं पे नकेल कसने का काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, एनकाउंटर हो रहे हैं, तो तमाम ऐसी चीजें हैं जो महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है तमाम सुरक्षा को लेकर इंतजाम किए गए और चाहे पिंक बूथ की बात की जाए, चाहे दस्तावेज की बात की जाए तो महिलाओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश ने कई काम किए हैं, सरकार ने काम किए, तो उसको मॉडल को भी अपनाने का काम कहीं ना कहीं कोई राज्य रखेंगे क्योंकि देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं, गृह मंत्री भी मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है कि सबका चिंतन मनन करने के बाद एक बड़ा रोड मैप तैयार किया जाएगा जिसमें उत्तर प्रदेश की तर्ज पर
कई चीजें हैं वो अलग अलग राज्यों में स्थापित की जाएंगी और देश में स्थापित की जाएंगी। जितेंद्र, अगर बात करें चिंतन शिविर की, तो देखिए इस चिंतन शिविर में जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को लेकर अपनी बात रखी, तो ये कहा जा सकता है कि माहौल एकदम अलग ही हो गया था, क्योंकि ये जो कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश को जब जाना जाता था तो बदमाशों के राज्य के नाम से पहले जाना जाता था। इस तरीके का गैंगस्टर्स, माफिया यहाँ पर बहुत ज्यादा थे। जब से योगी सरकार आई है, उन्होंने अपने करकमलों से जो कार्य उन्होंने किए हैं, वो कार्य कुछ इस तरीके से अब सामने आए हैं कि योगी मॉडल के रूप में एक ये जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो अब जाना जाने लगा है, और ये बहुत बड़ी बात है कि एक सीएम के नाम पर उनके जो मॉडल है वो जाने जाए। सीएम के चाहे वो कानून व्यवस्था का मॉडल हो, रोजगार का मॉडल हो, कई भी चीजों को, कोई भी राज्य या कोई भी मुख्यमंत्री, सीएम योगी आदित्यनाथ की बातें से जो कहा जा सकता है कि उस समय जब संबोधन वो दे रहे थे और बातें जब समझाने की कोशिश कर रहे थे, जाहिर सी बातें सीरियस बातें सभी इसको ली गई, क्योंकि चिंतन मनन शिविर ही नाम रखा गया है। तो जाहिर सी बात है कि चिंतन शिविर में देश की आंतरिक सुरक्षा की बात हो रही है, 25 सालों को लेकर आंतरिक सुरक्षा किस तरह की होनी चाहिए और क्या क्या आधुनिकीकरण की जरूरत है, कितना मॉडल पुलिस को बनाया जाए, कितनी मॉडल अलग एजेंसियों को बनाया जाए, ताकि समय रहते कहीं ना कहीं देश की आर्थिक सुरक्षा में किसी प्रकार का अगर खतरा होता है तो उससे आसानी से निपटा जाए। तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग राज्यों में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां तो ये लागू जरूर किया जा सकता है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो कानून व्यवस्था का मॉडल है वो बहुत ही मजबूत है, और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मानते हैं, माफिया मानते हैं, कई राज्यों की सरकार भी मानती है, चाहे वो हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल हो, इन सब कानून व्यवस्था राज्यों की कानून व्यवस्था को मानते हैं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई है, और इस बेहतरी को देखते हुए कई राज्य इस मॉडल को अपनाना चाहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि सीएम योगी आदित्यनाथ का टंका उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश के कई राज्यों में बसता है। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में टिकट आवंटन के बाद बागी हुए नेताओं को मनाने का दौर जारी है। शिमला में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में टिकट बदले जाने के बाद पार्टी से नाराज चल रहे महेश्वर सिंह से बातचीत के बाद उन्हें मना लिया है। महेश्वर सिंह अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के साथ बातचीत के बाद जब आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में अब नहीं रहेंगे। इससे पहले महेश्वर सिंह टिकट में बदलाव की वजह से पार्टी से नाराज चल रहे थे। बीजेपी ने महेश्वर सिंह का टिकट उनके बेटे हितेश्वर सिंह के बंजार विधानसभा क्षेत्र में आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरने की वजह से बदला है। शिमला के होटल पीटर हॉफ में जगत प्रकाश नड्डा के साथ मुलाकात के बाद महेश्वर सिंह ने कहा कि वो बातचीत के बाद संतुष्ट हैं, अब वो आजाद प्रत्याशी के तौर पर मैदान में नहीं रहेंगे। हालांकि उन्होंने अपने बेटे की जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर दिया है। महेश्वर सिंह ने कहा कि आज के दिन में कोई भी अपने बेटे की गारंटी नहीं ले सकता। उन्होंने इसके पीछे कई पारिवारिक वजहों को भी गिनाया। महेश्वर सिंह ने कहा कि पार्टी ने उन्हें अब चुनाव न लड़ने के लिए कहा है तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। मेरे सामने कुछ बातें की हैं, अध्यक्ष जी से भी बात हुई है, अपने प्रभारी जी से भी हुई है और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हुई है। प्रयास करूंगा, लोगों को मनाऊंगा, कहां तक हम मदद कर सकते हैं, तो इतनी बात हुई है। सर दो चीजें हैं, एक आपका मुद्दा है, दूसरा बेटे का मुद्दा है, किन चीजों के आप मान सकते हैं जनता आपका या उद्धवानी चीजें? नहीं, मैं अपने बेटे की ठेकेदारी तो नहीं लेता, क्योंकि आज किस किस के बेटे कितना मानते हैं, और जिस बेटे को तीन बार मैं लाया फिर उसके साथ स्थानीय विधायक का व्यवहार और उसकी धर्मपत्नी के साथ का व्यवहार, वो मेरे नॉलेज में है, आपके भी होगा। तो आजकल तो यूं भी किसी के बेटे विवाह शादी के बाद बाप की बात कम ही सुनते हैं, जो उन पर बीती उसको प्रेस्टीज इशू बनाते हैं। स्वाभाविक है
मैं उसके बारे में तो नहीं कह सकता। मेरा तो रिजेक्ट हो गया है, मैं इंडिपेंडेंट इस उम्र में लड़ूं? अगर कार्यकर्ता इतना ही जोर देंगे, उनको भरसक प्रयास करूंगा कि 73 साल की उम्र में अब लड़ना कठिन है, ये कहूंगा। अगर वो ही मेरे को कुएं में फेंकेंगे तो मैं तो उनका आदमी हूँ, मारेंगे तारेंगे तो उनकी बात। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हिमाचल प्रदेश से ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर हमारे साथ मौजूद हैं। टीना जी, फिलहाल जिस तरीके से बात की जाए बीजेपी में बागियों की, तो जैसे ही टिकट आवंटन हुआ उसके बाद कई जो बागी हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती गई, लेकिन अब धीरे धीरे उनको मनाने का सिलसिला जारी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जो बागी हैं, महेश्वर सिंह भी कुल्लू से बागी हैं, उनके बेटे हितेश्वर बंजार से बागी है, तो ऐसे में जो बागी थे वो भाजपा की मुश्किलें बढ़ा रहे थे, क्योंकि भाजपा कहीं ना कहीं मिशन रिपीट के लिए बिल्कुल तैयार है और कह रही है कि वो हर सीट पर जो है वो आगे चलती है, लेकिन जो बागी है वो समीकरण कहीं ना कहीं बिगाड़ रहे थे। तो ऐसे में कल स्पेशल जो है महेश्वर सिंह के लिए कुल्लू को चौपर भेजा गया, उनको चौपर में हिमाचल शिमला बुलाया गया। हालांकि जो शीर्ष नेतृत्व प्रदेश का है उनसे बातचीत के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, तो ऐसे में खुद जेपी नड्डा शिमला पहुंचे और उनको महेश्वर सिंह को बुलाया गया और महेश्वर सिंह ने यहां पर आकर नड्डा से मुलाकात की और उसके बाद वो माने इस बात पर कि बतौर वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने जब नामांकन किया था तो एज भाजपा प्रत्याशी के तौर पे उन्होंने नामांकन किया था, तो पिछले कल बतौर भाजपा प्रत्याशी उनका नामांकन भी रद्द हो चुका है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हालांकि वो पूरा जो उनका जो फैसला है कार्यकर्ताओं पर निर्भर करेगा, वो भी इसके साथ इसके बाद कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उनको पूरी चीजों से अवगत करवाएंगे और उसके बाद कार्यकर्ताओं को वो मनाएंगे कि वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अगर कार्यकर्ता नहीं मानते तो उस स्थिति में वो देखेंगे कि उन्हें क्या करना है। मतलब उन्होंने सारा की सारी जो भी फिलहाल बात है वो कार्यकर्ताओं पर डाली है। और हालांकि कार्यकर्ता जब वो शिमला के लिए रवाना हुए थे तो कार्यकर्ता काफी जोश में थे, उन्होंने कहा था कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ेंगे, महेश्वर सिंह बिल्कुल बैठेंगे नहीं, काफी स्ट्रांग कैंडिडेट महेश्वर सिंह माने जाते। तो ऐसे में भाजपा के लिए काफी मुश्किल थी कि अगर उनको नहीं बिठाया जाता तो कहीं ना कहीं भाजपा की जीत काफी मुश्किल उनको नजर आ रही थी। तो ऐसे में स्पेशल केंद्रीय नेतृत्व ने बीच में हस्तक्षेप किया है उनको बनाने के लिए। जी, क्या उनका टिकट कटने का कारण यही माना जाए कि उनके जो बेटे हैं वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं? बिल्कुल यही कारण था, क्योंकि टिकट इसी शर्त उनको दिया गया था कि बंजार से जो उनके बेटे हैं हितेश्वर उनको वो बिठाएं। हालांकि उन्होंने कहा कि हितेश्वर के जो स्थानीय विधायक उनके साथ कुछ जो रिलेशन है वो सही नहीं है, या स्थानीय विधायक का उनके साथ और बाकी लोगों के साथ बिहेव ठीक नहीं है, तो ऐसे में वो अपने बेटे की गारंटी नहीं लेते हैं। हितेश्वर को लास्ट मोमेंट तक खुद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी बंजार पहुंचे, मुलाकात से निभाया। हितेश्वर मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात में भी नहीं पहुंचे, उनकी धर्म पत्नी वहां पे पहुंची, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हितेश्वर किसी भी हालत में चुनाव लड़ेंगे। तो ऐसे में भाजपा के पास इकलौता विकल्प बचा कि वो भागी जो हुए हैं हितेश्वर उनके पिता महेश्वर सिंह का टिकट जो है उन्होंने काट दिया और उसकी जगह नरोत्तम को मैदान में उतार। हालांकि नरोत्तम को उतारने के बाद स्थितियां अभी भी वैसी है, क्योंकि कुल्लू से एक और जो बागी है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट माने जाते हैं राम सिंह, वो भी भाजपा से है, वो भी अभी बागी हुए हैं। देखने वाली बात ये की कल अंतिम दिन है नामांकन वापसी का, तो ऐसे में भाजपा कितने बागियों को बिठा पाती है तो ये कल ही लास्ट मोमेंट में पता चलेगा। बागियों की ये संख्या सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, साथ ही साथ कांग्रेस में भी कई बागी है। इस समय हिमाचल प्रदेश में समीकरण क्या बन रहे हैं, क्योंकि ये कहा जाता था कि बीजेपी में बगावत नहीं होती है, लेकिन इस बार बागियों की संख्या बीजेपी में लगभग ज्यादा बताई जा रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसा है कि मिशन रिपीट के लिए जिस तरह से भाजपा तैयार थी और भाजपा कह रही थी लगातार कि वो काफी आकलन कर रही है, 360 डिग्री के ऊपर उन्होंने प्रत्येक उम्मीदवार का आकलन किया, उसके बाद टिकट दी है। तो ऐसे में जो सिर्फ उम्मीदवार थे या जो पहले चुनाव जिन्होंने इस जो आकलन है या भाजपा का जो सर्वे था उसको सिरे से लगा दिया, तो ऐसे में बगावत बहुत भयंकर तरीके से भाजपा में उभर कर आई है। हालांकि भाजपा का दावा है कि 29 तारीख को अधिकतर जो बागी हैं वो अपना नामांकन वापस ले लेंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस में भी जो दिग्गज हैं जिनका टिकट काटा गया है वो खुद बागियों के निर्दलीय चुनाव मैदान में है, तो ऐसे में कांग्रेस और भाजपा दोनों की सामने चुनौती है। कांग्रेस ने भी एक कमेटी का गठन किया है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है 29 तारीख तक नामांकन वापसी करवाए वो निर्दलियों के। हालांकि अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी अपने बागियों को मनाने में सफल रह पाती है। हालांकि भाजपा ने काफी हद तक कुछ बागियों को मना लिया है,
देखने वाली बात यही है कि कांग्रेस कितने बागियों को बिठा पाती है, क्योंकि ये जो बागी हैं वो निश्चित तौर पे जो अधिकृत प्रत्याशी हैं पार्टी के, उनके जो समीकरण है वो बिगाड़ेंगे और कहीं ना कहीं जो जीत का जो रास्ता है उसमें वो एक बड़ा रोड़ा जो है वो ये बागी बने हैं अभी। जी बात की जाए ये जो संख्या बागियों की है जो बीजेपी में बढ़ रही है, आने वाले समय में क्या बीजेपी को और समस्याओं का सामना क्या करना पड़ सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में इस बार मिशन रिपीट की ओर बीजेपी अग्रसर है, क्या इस तरीके से बागियों की संख्या अगर बढ़ती रही या कम होगी या नहीं, इसके बाद क्या मिशन रिपीट में सफल हो पाएगी बीजेपी? बिल्कुल, जो मिशन रिपीट है भाजपा का उसमें काफी मुश्किल आ रही, क्योंकि जो निर्दलीय हैं वो तो समीकरण बिगाड़ेंगे, बागी जो समीकरण बिगाड़ रहे हैं उसके अलावा जो जिनको मना के बिठा भी लिया गया है, कार्यकर्ता काफी रुष्ट है कई जगहों पे, क्योंकि सीधे सीधे भाजपा ने 20 जो चेहरे हैं वो नए लाकर खड़े कर दिए हैं, तो ऐसे में कार्यकर्ताओं के बीच काफी जो थोड़े नाराजगी है अपने उम्मीदवारों के लिए। तो अब देखने वाली बात यही है कि भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को किस तरह से मना पाएगी, हालांकि जेपी नड्डा खुद मैदान में, अनुराग ठाकुर खुद हिमाचल में डटे हुए हैं, लगातार बागियों से बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का जो हाईकमान है वो किसी भी हाल में यहाँ पे मिशन रिपीट चाहता है, हालांकि यहाँ की जनता क्या चाहती है वो तो चुनावों में साफ हो पाएगा, लेकिन जो भाजपा है या कांग्रेस है दोनों के सामने फिलहाल जो एक बड़ी चुनौती है बगावत, एक बड़ी चुनौती है बगावत को अगर कहीं बिठा भी लेती है तो भीतरघात एक दूसरी चुनौती उनके सामने बनकर उभरेगा, तो इस भीतरघात से भाजपा कितना उभर पाती है ये तो जो परिणाम आएंगे वो उसी में साफ हो पाएगा। जी लेकिन टीना जी एक बात ये भी है कि ये जो बागी है वो जिस तरीके से लगातार बढ़ रहे हैं, ये जो है वो निर्दलीय चुनाव में उतर रहे हैं, अब ये जनता पर है कि जनता किसे पसंद करेगी, लेकिन कारण क्या समझा जाए कि इस बार बीजेपी में इतनी ज़्यादा बगावत देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी क्योंकि कहते हैं कि एक बार संघ से जो आदेश आ गया उसका पालन होगा, इस बार संख्या कुछ ज़्यादा बढ़ रही है बागियों की, ऐसा नहीं देखा गया बीजेपी में कभी? देखिए इस बार ऐसा भी है कि जो संघ की तरफ से जो आदेश था या संगठन की तरफ से जो था उसमें भी काफी बदलाव देखा गया कि कई जगहों पे जो प्रत्याशियों के लिए कहा गया था कि ये सही नहीं है प्रत्याशी, वो ये बोले कि केंद्रीय नेतृत्व शीर्ष नेतृत्व के आशीर्वाद से उन्हें टिकट दिया गया, तो ऐसे में जो आप अगर हम पर्टिकुलर रोड़ू सीट की हम बात करें तो रोड़ू में काफी नाराजगी जो पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ थी, तो ऐसे में निर्दलीय प्रत्याशी वहां पे खड़े हैं, हालांकि उनको भी मनाने का प्रयास जारी है, लेकिन जो भाजपा है वहां पे बिल्कुल टूट गई है, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशी के साथ जाके सब लोग खड़े हो गए, क्योंकि माना यही जा रहा था कि संघ का आदेश था कि यहाँ पे जो प्रत्याशी है उसको बदला जाए, लेकिन वो नहीं माना गया, तो ऐसे में भाजपा के सामने एक चुनौती ये भी बन चुकी है कि जो ये जो आदेश थे या संगठन के जो सर्वे थे, सर्वे को भी क्योंकि ये भी चुनौती जो बागी या निर्दलीय उम्मीदवार है उन्होंने दे दी है कि जो सर्वे था उसको भी आधार नहीं माना है भाजपा ने, उनके आधार पे भी भाजपा ने आवंटन नहीं किया है, तो ये एक बड़ी चुनौती है। और इसके अलावा जो जो प्रदेश में जो संगठन में जो कमान संभाले हुए थे कई लोग, उनको लोगों को उतारा गया है मैदान में नए चेहरे के तौर पे, तो ऐसे में काफी नाराजगी लोगों में है कि एक तरफ आप कहते हो कि आपका जो जो पद संभालेगा उसको आप टिकट नहीं देंगे, दूसरी तरफ आप टिकट दे रहे हो, तो ये काफी जो चीजें थी इस बार बड़ा बदलाव भाजपा की रणनीति में देखा गया था, तो उस जो वो रणनीति है हालांकि भाजपा मान के चल रही थी कि वो रणनीति सफल रहेगी, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे मान जाएंगे, लेकिन वो रणनीति कहीं ना कहीं उल्टी पड़ गई है, भाजपा को अपने बागी जो है बिठाने मुश्किल हो गए हैं, उनको समझाना काफी मुश्किल हो गया कि जो रणनीति थी वो जीत के लिए थी, उनके उनको तोड़ने के लिए नहीं थी, हालांकि जो लोग हैं उनका यही मानना है कि उनको कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया, उनकी जो भावना है उनको आहत किया है भाजपा ने, तो ऐसे में किसी भी हाल में जो कुछ बागी हैं वो बिल्कुल बैठने के लिए तैयार नहीं है। जी ठीक है टीना जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन डिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खोलने जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क के डिकाला जोन को मॉनसून सत्र शुरू होते ही 15 जून से पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत 14 नवंबर तक के लिए हर वर्ष बंद कर दिया जाता है। वहीं 15 नवंबर से ढिकाला जोन में नाइट स्टे और डे सफारी के लिए ढिकाला जोन खुलने जा रहा है, जिसको लेकर कॉर्बेट प्रशासन दुरुस्त मार्गों को सही करवाने के कामों में जुटा हुआ है, साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए सभी कार्य किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि
खुलने से पहले ही कॉर्बेट पार्क में डे विजिट और नाइट स्टे के सभी कक्ष 31 दिसंबर तक के लिए पैक हो चुके हैं। कॉर्बेट पार्क के ढिकाला जोन में विभिन्न क्षेत्रों में कई कक्ष हैं, जिनमें 20 कमरे मुख्य ढिकाला में हैं और जबकि 12 डोमेट्री और सभी समय पैक बताए जा रहे हैं। देखिए ढिकाला जोन को खोला जाएगा 15 नवंबर से अगले महीने और इस संबंध में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। रोड्स की स्थिति बीच में बारिश होने की वजह से अच्छी नहीं थी, लेकिन अब उसको भी काफी हद तक ठीक किया जा चुका है। उसके अलावा जो भी अवस्थापना से संबंधित सुविधाएं पर्यटकों को उपलब्ध कराई जानी है उनकी भी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि 15 तारीख नवंबर से ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए खोल दिया जाएगा। तो आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुलने जा रहा है। हर साल 14 नवंबर तक के लिए इसे बंद कर दिया जाता है, लेकिन मानसून सत्र शुरू होने के साथ साथ 15 जून से पर्यटकों की सुरक्षा के दृष्टिगत 15 जून से लेकर 14 नवंबर तक के लिए ये जो पार्क है उसे बंद कर दिया जाता है और उसके बाद अब 15 नवंबर से 14 जून तक ये अब जो ढिकाला जोन है, ये जो पार्क है वो खुलने जा रहा है और इसमें नाइट स्टे और डे सफारी के लिए ढिकाला जोन जो है वो भी खुलने जा रहा है। इसमें हैरानी की बात यह है कि लोगों में इतनी उत्सुकता इस पार्क को लेकर, कॉर्बेट नेशनल पार्क को लेकर इस समय देखने को मिल रही है कि अभी से ही यानी कि खुलने से पहले ही 31 दिसंबर तक के लिए ये पूर्ण रूप से पैक हो चला है। चाहे डे विजिट हो या नाइट स्टे के लिए हो, सभी कक्ष 31 दिसंबर तक के लिए पूर्ण रूप से पैक हो चुके हैं। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का सबसे प्रसिद्ध जोन ढिकाला जोन पर्यटकों के लिए 15 नवंबर से खुलने जा रहा है। कॉर्बेट प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है, इसके लिए सड़कों की मरम्मत कराई जा रही है और जो भी वहां पर खामियां है उसको पूरा किया जा रहा है ताकि लोगों को यहाँ पर किसी तरीके की पर्यटकों को समस्या ना हो। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 के जीत के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। टारगेट में सबसे पहले आदिवासी इलाका बस्तर है, यहां की 12 सीटों पर कब्जा बनाए रखना कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है। इसके बाद लोकसभा चुनाव भी है, ऐसे में प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया 3 दिन के लिए बस्तर में वो आ रहे हैं। उनका यह दौरा 28 अक्टूबर यानी आज से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जीत की रणनीति बनाएंगे। बस्तर लोकसभा के साथ विधानसभा की 12 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। 2023 में 12 सीटों पर कब्जा बरकरार रखना बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए है। इस कारण पीएल पुनिया ने अभी से वहां के नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के अभियान में वो लग गए हैं और इस दौरान वो उनके साथ बैठक करेंगे और स्थिति का जायजा भी लेंगे, साथ ही साथ मंथन भी इस दौरान होगा। माना जा रहा है कि पिछले दिनों कांग्रेस की अंदरूनी बस्तर रिपोर्ट के चलते यह निर्णय लिया गया है। तो आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की जीत के लिए कांग्रेस ने अब टारगेट जो है वो अपने सेट कर लिए हैं और सबसे पहला टारगेट आदिवासी इलाका बस्तर जो है उसे बनाया गया है। बस्तर में अब प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया जो है वो आ रहे हैं 3 दिन के लिए और 3 दिन यहाँ आने के बाद वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात और मंथन करेंगे। इसी खबर पर ज़रा जानकारी के लिए अखिलेश तिवारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। अखिलेश, फिलहाल जो आज दौरा से शुरू होने जा रहा है पीएल पुनिया का, क्या कुछ उसको लेकर अहम जानकारी, क्योंकि कांग्रेस अब अभी से यहां पर विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुट गई है।
देखिए, पीएल पुनिया का जो दौरा है वो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को लेकर के जो बैठक की जानी है उसमें खासा बताया जा रहा है। खासतौर से ये मुद्दे निकल करके सामने आ रहे हैं कि 2023 के जो चुनाव समीकरण है और रणनीति किस तरीके से बनाई जा सकती है, इसलिए उसमें फोकस किया जा रहा है। इस कमेटी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीएल पुनिया, सप्तगिरी उल्का, मोहन मरकाम, टीएस सिंहदेव, सत्यनारायण शर्मा, तमाम ऐसे जो बड़े नेता हैं वो इसमें शामिल होंगे और ये बैठक 11 बजे से प्रारंभ होगी। लगभग 1.5 से 2 घंटे तक की ये बैठक चलनी। इस बैठक में अहम बात ये निकल करके सामने आ रही है कि जो योजनाएं हैं सरकार की और योजना कौन कौन तरीके से जो धरातल में उतर करके सामने आई है, आम जनता को किस तरीके से लाभ प्राप्त हुआ है उस विषय में फोकस किया जाएगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में किस तरीके से जाया जा सकता है इसके ऊपर खास फोकस रहेगा। इसके अलावा पीएल पुनिया ने साफ निर्देश जारी भी कर दिया है कि इस कमेटी में जितने भी लोग हैं जो पॉलिटिकल अफेयर कमेटी को लेकर के अपनी रणनीति बनाई जा सकती है, एक पूरा फाइल तैयार करके सभी लोग पहुंच रहे हैं और फाइल तैयार करने के बाद कौन कौन से विषय है और कौन कौन सी योजनाएं हैं जिसको आम जनता के बीच में पहुंच करके प्रस्तुत कर सके और अपनी जो जो योजना है उसमें किस तरीके से आम लोगों को लाभ मिला है उसके ऊपर खास फोकस करने की तैयारी है जी। अखिलेश, अगर बात की जाए कांग्रेस की तो सबसे पहले आदिवासी इलाके बस्तर को चुना गया है क्योंकि यहाँ पर जो सीटें हैं वह इस समय कांग्रेस के कब्जे में है और यहाँ पर कब्जा बरकरार रखने की कोशिश में कांग्रेस है, किस तरीके से तैयारियां इसके लिए चल रही है? देखिए, आदिवासियों को साधने के लिए जो कोशिश की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम शुरुआती दौर से ही आदिवासियों के लिए एक अलग से योजना बनतर तौर तरीके से काम किया जा रहा है। जो भाजपा शासन काल में अगर बात की जाए जहां नक्सलियों जो आदिवासी रहते थे उसको नक्सली घोषित कर दिया जाता था, इसके अलावा उसके ऊपर गोलीबारी भी करवाई जाती थी नक्सली समझ करके, इसके साथ साथ जेल में भी डाल दिया जाता था। जैसे ही कांग्रेस सत्ता में आई उसके बाद से ही यहाँ की जो भूपेश सरकार है वो निश्चित तौर पे जो जेल में बंद आदिवासी हैं उसको पहले निकालने का काम किए, जिनके ऊपर नक्सली होने का आरोप लगाया गया था, जिनके ऊपर मामले चल रहे थे उसको तत्काल खत्म कर दिया गया था। और इसके अलावा जो आदिवासी जो भर्ती प्रक्रिया है पुलिस में भर्ती, जो नक्सली घोषित हो जाते थे या समर्पण करके निकल करके सामने आते थे उनको बकायदा पुलिस की नौकरी दी जाती है। अब ये निश्चित तौर पे इस तरीके से साधने का जो काम है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया और कांग्रेस सत्ता काल में आने की बात कर दिया। दूसरी बात ये निकल करके सामने आ रही है कि जब से कांग्रेस शासन काल में आई है उसके बाद से ही छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को आदिवासी महोत्सव के तौर तरीके से देखा जा रहा है और स्थापना दिवस को आदिवासी महोत्सव नाम दे करके ही आदिवासियों को साथ लिया गया है। इसके साथ साथ आदिवासियों के लिए खास तौर से ये प्रबंध किया गया है कि वहां के जो योजना है खासतौर से तेंदूपत्ता की जो खरीदी को लेकर की बात की जाए या फिर वहां की कोदो कुटकी को लेकर के बात की जाए, चाहे सी मार्ट बनाने की बात की जाए, वनांचल से जितने भी आय के जो संसाधन हो सकते थे और आदिवासी जिसके ऊपर डिपेंड रहते हैं उनको लेकर के खरीदने की जो तैयारी है निश्चित तौर पे कांग्रेस शासनकाल में की जा रही है। तो कुल मिलाकर के आदिवासियों के लिए बड़ी योजनाएं भी चल रही है और योजना के साथ साथ उनको कितना लाभ मिल रहा है ये सबसे अहम माना जा रहा है जी। अब इस समय ये तमाम चीजें जो है वो तो जिस तरीके से आपने बताई वाजिब से बात है कि अब यहाँ पर सीटों को पूरे तरीके से अपने कब्जे में रखने के लिए कांग्रेस जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन 2023 में विधानसभा चुनाव कांग्रेस में जो छत्तीसगढ़ है वहां पर होने हैं, कब्जा पूरे तरीके से राज्य पर बरकरार रखने के लिए क्या कोशिश है क्योंकि ये एक ऐसा राज्य है जिसको कांग्रेस अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। बिल्कुल निश्चित तौर पर ये बात सही है कि कांग्रेस इस बार भी अपने लगन के साथ में कमेटी अफेयर की जो बैठक है वो सुनिश्चित की जा रही है और इसके अलावा एक बात और निकल करके सामने आ रही है कि योजनाओं को लेकर के धरातल में किस तरीके से उतरा जा सकता है। खास तौर से किसानों को साधने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयासरत रही है और इसके साथ साथ किसानों को इस वर्ष 2500 रुपए धान खरीदी कर रही है और 1,00,000 मीट्रिक टन खरीदी करने की जा रही है। तो निश्चित तौर पर किसान भी उत्साहित है, किसानों को साधने का जो प्रयास है वो पूर्ण रूप से हो गया है। दूसरी चीज मजदूरों को साधने के लिए जो प्रयास है, मजदूरों के लिए कई ऐसी योजनाएं हैं जिसको लेकर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लेकर के, चाहे राजीव गांधी किसान मजदूर योजना की बात की जाए या भूमिहीन मजदूर योजना की बात की जाए, उनको साधने का प्रयास कर लिया गया है। ये बड़ी संख्या में, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है, निश्चित तौर पर किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है।
यहाँ एक किसानों को साधने का प्रयास कर लिया। दूसरी बात ये बात निकल करके सामने आती है कि कर्मचारी और अधिकारियों को किस तरीके से साधा जाता है। अधिकारियों को साधने के लिए निश्चित तौर पे अलग अलग फंड जो है वो रिलीज कर दिया गया है, उनकी सैलरी को इंक्रीज कर दिया गया है। इसके अलावा जो कर्मचारी है, जो चाहे पंचायत सचिवों की बात की जाए, चाहे संविदा कर्मचारियों की बात की जाए, चाहे अन्य विभाग के जो कर्मचारी है उनको डीएड दे करके जिस तरीके से जो लाभ दिया गया है, एक नई सौगात दी गई है, चाहे दिवाली की जो बोनस की बात की जाए, एरियास की बात की जाए, तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा जो कर्मचारी है उनको साधने का प्रयास कर लिया। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है कि महिलाओं को किस तरीके से साधा जा सकता है, इसके ऊपर एक अलग से फोकस किया गया है। और फोकस इस तरीके से है कि जो महिला है उनको किस तरीके से साधा जा सकता है, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा नाराज छत्तीसगढ़ में इसलिए है क्योंकि शराबबंदी की वादा करके कांग्रेस शराबबंदी नहीं की है। इसके साथ साथ कि आप महिलाओं को किस तरीके से साधा जा सकता है, इसके ऊपर भी रणनीति बनाई जा रही है। कांग्रेस ने लगातार गोठान को लेकर के वहां महिला स्व सहायता समूह को एक नई सौगात दी है, और सौगात के साथ साथ वहां की जो महिलाएं हैं उसको किस तरीके से साधा जा सकता है, उनको और किस तरीके से लाभ दिया जा सकता है, इसके लिए वहां से गोबर से बने जो दिए की बात की जाए, चाहे वहां की चप्पल की बात की जाए, चाहे नेम प्लेट की बात की जाए, ऐसे तमाम जो चाहे पेंट की बात की जाए, गोबर से पेंट बनाने की जो कलाकृति है उसको तमाम तरह की खरीदी कर रही है सरकार, और सी मार्ट के माध्यम से भी बिक्री की जा रही है। तो समूह से जुड़े जितने भी महिलाएं हैं उनको आर्थिक लाभ भी पहुंच रही है और अपने घर को चलाने के लिए सबसे अहम माना जा रहा है। तो निश्चित तौर पर महिलाओं को भी साधने का काम हो चुका है। बस यही मुद्दे हैं जिनको लेकर के इस बार कांग्रेस जो है वो धरातल में उतरेगी और चुनाव की रणनीति और चुनाव की जो समीकरण है उसको तैयार करेगी। जी बिल्कुल। अखिलेश, अगर बात की जाए पीएल पुनिया की, तो उनका 3 दिवसीय दौरा है, क्या क्या उनके पूरे कार्यक्रम रहने वाले हैं? देखिए, पीएल पुनिया की जो दौरे की अगर बात की जाए तो आज पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो बैठक है उसमें भाग लेंगे, और इसके अलावा वहां रणनीति किस तरीके से बनाई जा सकती है और जो जो योजनाएं हैं उनको इनको रिपोर्ट लेकर के सीधा वो दिल्ली कूच करेंगे। इसके अलावा आज भीमा मंडावी के जो श्रद्धांजलि कार्यक्रम है उसके कांकेर जाने की जो तैयारी है वो की जा रही है। वहां भीमा मंडावी के जो उनके परिजन है उनसे मुलाकात मुख्यमंत्री करेंगे, और आज कांकेर को भी करोड़ों की सौगात मिलने वाली है। वहां की जो अनेकों जो कार्य है उसको लेकर के भी कार्यक्रम किया जाना है। इसके साथ साथ रोड निर्माण को लेकर के भी कार्य किया जाएगा। इसके साथ साथ वहां के जो खास तौर से शिक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो उसको लेकर के भी खास तैयारी मुख्यमंत्री करने जा रही है। ये तमाम जगह जो है, चाहे आदिवासी पर्यटन की बात की जाए, चाहे मैदानी क्षेत्र बिलासपुर जाने की भी तैयारी पीएल पुनिया की जो दौरा कार्यक्रम है उसमें भी शामिल है। तो निश्चित तौर पे ये बड़ा कार्यक्रम है और पीएल पुनिया धरातल में उतर गए हैं, और निश्चित तौर पे इस कार्यक्रम में शामिल होकर के पीएल पुनिया एक अलग धरातल में उतर करके उसकी जो रिपोर्ट है वो जाकर के पार्टी को देगी। जी अखिलेश, ये देखा जाता है कि कांग्रेस लगातार जो चुनाव प्रचार रहता है उसमें बहुत इंतजार करती है, चुनाव की तैयारियां बहुत पहले शुरू नहीं करती है, लेकिन छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस ने चुनावों से बहुत समय पहले ही अपनी जो तैयारियां है वो शुरू कर दी है। निश्चित तौर पर हर पार्टी की जो चुनावी जो तैयारी है उन्होंने बाद से ही चुनावी तो रणनीति हो जाती है। भाजपा पहले से ही शुरुआती दौर से ही चुनावी समीकरण तैयार कर लिए थे और रणनीति बनाना प्रारंभ कर दिए। चाहे आंदोलन की बात की जाए, चाहे जो कमर्धा कांड की बात की जाए, या फिर यहाँ बेरोजगारी की जो मुद्दे हैं उसको लेकर के जो धरातल में उतरने वाली जो भाजपा है उसकी बात की जाए, तो निश्चित तौर पर भाजपा लगभग 2 वर्ष पहले से ही रणनीति बनाना प्रारंभ कर दी। कांग्रेस जो है इस बार जो है एक रणनीति इस तरीके से बनाई जा रही है कि 1 वर्ष ही बचा है अब चुनावी समीकरण को तैयार करने के लिए, तो इसके लिए भी तैयारी की जा रही है। तो निश्चित तौर पे जो तैयारी है उसको किस तरीके से योजनाओं का प्रबंध किया जा सकता है और योजनाओं को धरातल में किस तरीके से लाया जा सकता है और समीकरण किस तरीके से बना करके आम जनता के बीच में कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको ले जाया जा सकता है इसको लेकर के फोकस किया जा रहा है। तो निश्चित तौर पे एक नया विगुल फूकते नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में, और भाजपा अलग से तैयारी कर रही है और आम आदमी पार्टी की जो तैयारी भी है वो जोर शोरों से देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ
अगर बात की जाए कांग्रेस से, तो कांग्रेस शुरुआती दौर से ही अपनी योजनाओं को लेकर के धरातल में उतर चुके हैं और देखने वाली बात ये रहेगी कि कब तक क्या किस तरीके से रणनीति बना करके आम जनता को साधने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है अखिलेश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। मुंबई में क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर ट्विटर के जरिए अपशब्द लिखने के मामले में प्रदीप भालेकर नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो ट्विटर हैंडल पर अलग अलग राजनेताओं को अपशब्द लिखता था। यही नहीं, पुलिस प्रदीप भालेकर के मोबाइल को जब्त भी कर लिया है। प्रदीप भालेकर के ऊपर मुंबई के कई पुलिस स्टेशन में 13 से ज्यादा मामले दर्ज है। फिलहाल पुलिस को 30 तारीख तक रिमांड मिली है और आगे की जाँच समतनागर पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के अलावा राज्यपाल पर भी प्रदीप भालेकर ने आपत्तिजनक टिप्पणी सोशल मीडिया पर की थी। के ऊपर उन्होंने सोशल मीडिया पे अब सब कुछ कहा था, उसको लेकर क्या है मामला? इस बारे में केस रजिस्टर है, उस केस में आरोपी प्रदीप गोविंद भालेकर, इनको अरेस्ट किया है, उनकी अभी पुलिस कस्टडी ली है, 3 तारीख तक उनकी कस्टडी, अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है। थैंक यू। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरीके से मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और साथ ही साथ राज्यपाल को ट्विटर पर अपशब्द कहे जा रहे थे, उसी से जुड़े एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? बिल्कुल नमस्कार जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में प्रदीप भालेराव नामक शख्स को मुंबई के कुलार पुलिस स्टेशन की हद से गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर गंभीर आरोप है। दरअसल प्रदीप भालेकर ने ट्विटर के जरिए एक मैसेज वायरल किया था, जिसमें बताया था कि एकनाथ शिंदे के गुरु आनंद दिघे की हत्या के मामले में एकनाथ शिंदे खुद जिम्मेदार है, क्योंकि जब आनंद दिघे हॉस्पिटल में एडमिट थे उस वक्त एकनाथ शिंदे ने ही उनके चेहरे पर लगे मास्क, ऑक्सीजन मास्क को हटाया था, जिसकी वजह से उनकी मौत हुई थी। इस तरह का गंभीर आरोप लगाने के बाद मुंबई की उत्तर विभाग साइबर सेल ने पूरे मामले में मामला दर्ज किया था, जिसकी जांच मुंबई समता नगर पुलिस को दिया था, लेकिन क्राइम ब्रांच यूनिट 12 ने देर शाम उसकी गिरफ्तारी की है। जानकारी यह है कि प्रदीप भाले राव के ऊपर 12 से ज्यादा इस तरह के मामले दर्ज है, जिसकी जांच की जा रही है। उनसे पूछताछ भी लगातार जारी है, किस तरीके के खुलासे अब उनसे हुए? देखिए मुस्कान जी, प्रदीप भाले राव ने जो भी ट्वीट किया है उसमें क्या सच्चाई है, इसकी जांच की जा रही है, लेकिन जिस तरह से गंभीर आरोप प्रदीप भाले राव ने लगाया है, इसमें बेहद चौंकाने वाली घटना है कि आनंद राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह का आरोप लगा रहा है कि राज्य के मुख्यमंत्री ने ही अपने गुरु आनंद दिघे की हत्या करने में शामिल थे, उनके साथ उनके सहयोगी नारायण राणे भी थे। खासकर राज्यपाल को भी उसने कई तरह के आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, जिसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट 12 कर रही है। अब उनसे पूछताछ में क्या कुछ अहम खुलासे हुए, क्योंकि उनकी रिमांड जो ली गई है उसमें पूछताछ उनसे की जा रही है, और कारण क्या है कि वो इस तरीके के आरोप जो है वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पर लगा रखा है? देखिए प्रदीप भाले राव एक सोशल एक्टिविस्ट है और लगातार इस तरह की सरकार के खिलाफ आरोप लगाता रहा है, जिस तरह से राज्यपाल के खिलाफ लगाया है और जेलर के खिलाफ लगाया है कि आतंकवादी दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल कास्कर को उसने एक इनोवा कार गिफ्ट किया है, इस तरह के गंभीर आरोप। फिर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के खिलाफ आरोप, पुलिस विभाग के कई अधिकारियों के खिलाफ इस तरह का आरोप जो है भालेकर लगाता रहा है। हालांकि इसके पीछे की मंशा क्या है, इसकी जानकारी अब तक किसी ने निकाल ली नहीं, लेकिन जिस तरह से
प्रदीप भालेरा ने आरोप लगाया है, अगर इसकी जांच होती है तो जरूर यह साफ हो पाएगा कि इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या भालेराव सच में जो जानकारी शेयर कर रहा है उसमें सच्चाई है, या जो है बदले की भावना से इस तरह का ट्वीट जो है वह करता है। पुलिस इसमें जांच कर रही है और किस तरीके की कार्रवाई जो है वो प्रदीप भालेकर पर की जा रही है। देखिए प्रदीप भालेराव 30 अक्टूबर तक क्राइम ब्रांच हिरासत में है, इस दौरान जिस तरह से उसके ऊपर मुंबई के अलग अलग पुलिस स्टेशनों में 13 से ज्यादा मामले दर्ज है, उन सभी मामलों की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच करेगा। खास बात यह है कि इस तरह का आपत्तिजनक ट्वीट करने का मकसद क्या है, उसके पास जो जानकारियां शेयर किया है उसके पास उसका आधार क्या है, इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच अब करेगी। लेकिन ये बात तो तय है जिस तरह से उसने ट्वीट किया है, अगर इसकी गंभीरता से जांच होती है तो कई बड़े आम खुलासे भी हो सकते हैं, लेकिन मामला सरकार के खिलाफ का है तो ऐसे में क्राइम ब्रांच अब गंभीरता से इसको ले रही है। ठीक है सत्यप्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। जम्मू में रेलवे स्टेशन परिसर में नाले के पास एक संदिग्ध बैग मिला है जिसमें 18 डेटोनेटर और कुछ तारें हैं। इसके साथ ही इसमें संदिग्ध पाउडर भी बरामद किया गया। जम्मू रेलवे स्टेशन परिसर में ये बरामदगी हुई है, मामले की जांच की जा रही है। जीआरपीएफ के एसएसपी आरिफ ऋषु के मुताबिक हमने जम्मू रेलवे स्टेशन में टैक्सी स्टैंड के पास एक बैग बरामद किया है। इस बैग में मिली दो पेटियों में विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है, इसमें 18 डेटोनेटर और कुछ तार बरामद किए गए हैं। करीब 500 ग्राम मोम जैसा मटेरियल भी बॉक्स भी पैक किया गया था और जम्मू रेलवे पुलिस का दावा है कि इस बरामदगी से आतंकियों की एक बड़ी साजिश नाकाम हुई है। जम्मू में रेलवे पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब गुरुवार दोपहर 1:30 बजे रेलवे स्टेशन की सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को रेलवे स्टेशन परिसर के बीचों बीच एक कार्टून मिला। रेलवे स्टेशन के बीचों बीच बह रही नाली से मिले इस कार्टून पर सफाई कर्मचारियों का शक उस समय गया जब इस कार्टून में कुछ तारें दिखी। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जम्मू कश्मीर से संवाददाता रविंद्र श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र, फिलहाल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में इस तरीके की घटनाएं जो है वो लगातार होती रही है और अब एक बार फिर से जम्मू पुलिस ने आतंकी साजिश को नाकाम किया है, क्या कुछ अहम जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए कल करीब 1:30 बजे के जब समय था तब रेलवे के सफाई कर्मचारी जो है वो नाली की सफाई कर रहे थे तो उनको एक बैग मिला और उसमें कुछ जब तारे नजर आई तो उनका शक और गहरा हुआ और जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचित किया। हालांकि कहा जाए तो ये पहला मौका नहीं है, इससे पहले भी जम्मू रेलवे स्टेशन को दहलाने की कोशिशें जो है वो होती रही हैं और ये एक सोची समझी साजिश के तहत आतंकियों ने ये डेटोनेटर जो है रखे थे ताकि रेलवे स्टेशन को दहलाया जा सके, यहाँ पर एक बड़ा विस्फोट करवाया जा सके। जिस इलाके में ये बैग मिला है वहाँ वो टैक्सी स्टैंड का इलाका पड़ता है और वहाँ आज काफी ज्यादा श्रद्धालु जो हैं वो आते हैं और करीब मैं आपको बताऊँ 28 से 30 गाड़ियां जो हैं रोजाना जम्मू रेलवे स्टेशन से निकलती हैं और करीब 40 से 45,000 यात्री जो हैं वो जम्मू पहुंचते हैं माता वैष्णो देवी जाने के लिए और कई पर्यटक जो हैं वो कश्मीर घाटी भी जाते हैं यहाँ से। तो कहा जाए ये एक बड़ी साजिश जो थी उसको नाकाम किया गया है जम्मू पुलिस के द्वारा और शाबाशी देनी होगी उन सफाई कर्मचारियों को जिन्होंने इस नाली के अंदर सफाई करते हुए बैग देखा और तुरंत पुलिस को सूचित किया। हालांकि जब उस बैग को खोला गया तो उसमें 18 डेटोनेटर और कुछ विस्फोटक मोम जैसा पदार्थ था जो आईडी बनाने के काम आता है और हालांकि खुद एसएसपी रेशु ने भी बताया है कि उसमें 18 डेटोनेटर कुछ तारें और कुछ मोम जैसा पदार्थ मिला था जिसमें आईडी का इस्तेमाल जो है वो आईडी बनाने का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी साजिश जो है
वो रची गई है। इससे पहले भी 2004 को आतंकी हमला हुआ था जिसमें सेना के लेफ्टिनेंट त्रिवेणी सिंह जो हैं वो इस हमले में शहीद हो गए थे और कई लोग जो हैं वो उस हमले में घायल हुए थे। क्योंकि ये काफी संवेदनशील रेलवे स्टेशन है और यहाँ पर सुरक्षा का कड़ा पहरा रहता है और यही वजह है कि जब भी आतंकी अपनी नापाक हरकत को अंजाम देने की कोशिश करते हैं तो सुरक्षा बल जो है उसको कहीं ना कहीं नाकाम करते हैं और यही वजह है कि कल भी जम्मू रेलवे स्टेशन को उड़ाने की जो साजिश है उसको नाकाम किया गया है। विस्फोटक का जखीरा जो है वो बरामद किया गया जी। अब ये जो जखीरा बरामद किया गया है किस तरीके की साजिश हो सकती थी आतंकियों के जिसका नाकाम किया गया, क्योंकि इस तरीके से 18 डेटोनेटर मिलना और मोम जैसा पदार्थ मिलना जो उस तरीके की जानकारी पुलिस ने दी काफी बड़ी आतंकी साजिश ये हो सकती थी। बिल्कुल देखिए जिस प्रकार से 18 डेटोनेटर और जेलेटिन वैक्स मिले है, जो वैक्स मिला है मैंने जैसे पहले भी बताया कि ये आईडी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता था और हालांकि समय रहते ये पुलिस के पास पहुंच गया और आतंकियों की साजिश को जो है वो नाकाम किया गया है। क्योंकि ये विस्फोटक जो है आपको बताऊं तो कभी भी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है और खास करके कहा जाए आईडी जब बनाई जाती है तो इन डेटोनेटर और इस वैक्स का इस्तेमाल करके इसके साथ आरडीएस या कुछ और चीज मिलाकर जो विस्फोट ज्यादा हो उससे ज्यादा नुकसान हो और उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। लेकिन समय रहते एक बड़ी साजिश जो है आतंकियों की नाकाम की गई है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज अगर कहा जाए तो उसको भी खंगाला गया और ये जांच की जा रही है कि इसके पीछे कौन लोग हैं उनकी पहचान जो है वो की जा रही है और जल्द ही उन आतंकियों तक जिन्होंने ये कायराना हरकत को अंजाम देने की कोशिश की है या जिस प्रकार से विस्फोटों का सिरा बरामद हुआ है उनकी पहचान जो है करके उन आतंकियों को जल्द पहुंचा जाएगा या उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाएगा जी। ठीक है रविंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। नमस्कार।